प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और इस साल मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन चला, जहां सोमवार को इस सम्मेलन में भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे। अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई, जहां प्रवासी भारतीय दिवस के सहारे मोदी सरकार पर तंज कसा जा रहा है और ये तंज कस रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। अब क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल इस बार इंदौर में प्रवासी भारतीय जुटे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित किया। अब ऐसा कुछ बड़ा हो और इस पर सियासत ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसी को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा, उधर हर दिन 500 लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, इधर भाजपाई प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं। अब माना जा रहा है कि ये तंज मोदी सरकार पर ही है। खैर, अब तंज तो अखिलेश यादव ने कस दिया, लेकिन ये उल्टा उन पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि लोग अब उन्हें ही ट्रोल कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि भारतीयों की डिमांड विदेशों में बढ़ी है, ये गर्व की बात है। जहां एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा है, आप देश छोड़कर पाकिस्तान कब जाएंगे? देश आप जैसों से तंग आ चुका है मौलाना साहब। दूसरे यूजर ने लिखा है, दूसरे देशों से 500 लोग रोज भारत भी आ रहे हैं, भारतीयों की डिमांड विदेशों में बढ़ी है, ये गर्व की बात है। एक और यूजर ने लिखा, तिलमिलाहट से कोई फायदा नहीं, देश और दुनिया में मोदी योगी की डंका बज रही, स्वाभाविक रूप से खिजलाहट दिखानी पड़ेगी। एक और यूजर ने लिखा, आप सच में ही ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हो। फिलहाल आपको बता दें, जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसे हैं, उन्हें प्रवासी भारतीय कहते हैं और भारत एवं वैश्विक भारतीय समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करने का भी अवसर होता है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन चला, जहां सोमवार को इस सम्मेलन में भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। 3 दिवसीय सम्मेलन में 70 देशों से 3,500 से अधिक प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। चलिए आपको सुनाते हैं इस मौके पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, स्वदेशो भुवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है, मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा, हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी, हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए, अलग अलग देशों अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती हैं, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया।